हेलो एवरी वन, अमिता, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। आई थिंक इट्स नॉट अ स्टडी व्लॉग, आई शुड नॉट से दैट बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ कैंडिड व्लॉग जहाँ पर मैंने शायद थोड़े से अपने थाट शेयर किए हैं। लेट मी नो वट यू थिंक अबाउट इट। एक्चुअली मैं इसको रिकॉर्ड करी थी एंड वही सेम पैटर्न पे आई वॉज अबाउट टू टेल यू कि ओके आई एम डूइंग द हार्ट इकोनॉमिक्स एंड लक्ष्मीकांत तो ये वो एंड एवरी थिंग। फिर आई रियलाइज़ कि हाँ इट सब तो पता ही है तुम लोगों को, आके तुम देख ही लोगे, ब्लॉग में दिख ही रहा है, पढ़ते हो तो इतना तो पता चल ही जाता है कि हाँ ये बुक लक्ष्मीकांत की है, ये हो रहा है वो रहा है। बाकी तो मैं थोड़ा बहुत टेक्स्ट में मैंशन कर ही दूँगी, आज थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ऑनेस्टली टेलिंग यू कि काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल भी लाइक पता नहीं एग्जॉस्टेड फील हो रहा है या क्या हो रहा है, पढ़ा ही नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। लाइक आई हैव टू लाइक पुश एवरी डे टू माई सेल्फ कि लाइक पहले होता था कि चलो दो तीन दिन में, एक हफ्ते में दो दिन ख़राब जा रहा है, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ रोज़ ही मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है टू लाइक सेट ऑन द डेस्क एंड स्टडी एंड आई डोंट नो, मे बी आई एम एग्जॉस्टेड। बट वही है कि अभी वो भी नहीं है, बिल्कुल टाइम भी नहीं है ब्रेक लेने का कि ब्रेक लो, रिजुविनेट कर लो। सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग थिंग्स हैपनिंग विद मी। जनरली ये सारे थॉट्स जो है मैं अपनी डायरी में लिख देती हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ आपको। तो मैंने सोचा कि इट्स ओके, मतलब सडनली यू नो बिल्कुल रैंडम थॉट मतलब नहीं रिकॉर्ड करते करते मुझे आया कि यार इट्स ओके ना, अभी मैं जो फील कर रही हूँ मैं बता ही देती हूँ, बाकी आई डोंट नो बाद में मैं कैसे रिएक्ट करने वाली हूँ खुद की इस वीडियो पे। बट अभी मेरे को जो ठीक लगा मैंने कहा कि लेट्स टॉक, इट्स ओके। सो मैं वैसे ही सोच रही थी, सो काफ़ी सोचने विचारने के बाद मेरे को मतलब इट्स नॉट कि एक दिन मैं बैठी और सोचा, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ रियलाइजेशन होते होते आई जस्ट अराइव्ड एट अ कंक्लूजन कि मैंने कुछ ज़्यादा ही मेस्ड अप कर लिया है अपनी लाइफ को। ना कोई स्टडी रूटीन है, मतलब पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़ रहे हैं बट एक रूटीन एंड डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एक ना अंदर ही अंदर एक सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन एवरी थिंग इज़ यू नो बैठ गई है जो एक्यूमुलेट होके इट्स नॉट गिविंग अ गुड फीलिंग। सो ज़्यादा बड़ा ऐसा ब्रेक ब्रेक लेने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है कि चलो सब बंद करो एंड ट्रिप पे निकल जाओ एंड एवरीथिंग, इसका तो बिल्कुल अभी यू नो टाइम ही नहीं है। तो आई डिसाइडेड कि लेट्स मतलब छोटे छोटे कुछ चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा कुछ नया हो जाए लाइफ में और थोड़ा सा बेटर फील होने लगे। तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह भी देखी, आई एम लाइक ओके ओके सो लेट्स मेक अ रूटीन, ट्राई वेकिंग अप अर्ली बिकॉज है ना एक सेट करते हैं अपने आप को उस तरीके से कि प्रॉब्लम्स आ ही रहा है तो उस रूटीन को ही सेट कर लेगी जिस दिन उस दिन उठने वाले हम लोग। कई लोगों को तो नींद भी नहीं आती है बट प्लीज सो जाना, तो उसी तरीके से 5 बजे उठ जाओ, अपना थोड़ा बहुत वॉक कर लो। तो एक तो यार इस प्रिपरेशन में ना इतना सब कुछ होता है ना, लाइक आपकी अगर ध्यान नहीं देते शुरू में बिल्कुल, फिर अननेसेसरी वेट गेन्स एंड एवरीथिंग, उसकी वजह से ना इतना अपने आप से ही मतलब बिल्कुल वो होने लगता है नेगेटिविटी। और एंड आई हैव आल्सो आइडेंटिफाइड वन थिंग कि वैसे तो आई एम वेरी होपफुल, आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बट फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग नेगेटिव सेल्फ टॉक टू मी, लाइक आई एम टॉकिंग नेगेटिव अबाउट माई सेल्फ, मतलब कोई और नहीं बोल रहा, मैं खुद ही बोल रही हूँ। सो ये भी मैंने आइडेंटिफाई किया, सो आई डिसाइड कि ओके नाउ ऑनवर्ड्स यू विल नॉट से एनी नेगेटिव थिंग कि तुमसे नहीं हो रहा है, तुमसे नहीं होगा, सी सेट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, सारे नेगेटिव थाट मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, छोड़ दूँ क्या, गलत तो नहीं कर रही हूँ, तो ऐसे ऐसे थाट्स। और फिर मेरे को कोई और नहीं बोल रहा, मैं खुद ही अपने आप को बोल रहा हूँ। सो आई थिंक आई शुड मेक लाइक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा इस पर।
एंड ऑल्सो मे बी लास्ट अटैम्प्ट का जो भी वो टाइम लाइन था ना, इस टाइम पे क्या कर रहे थे, कैसे करंट अफेयर्स जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं एवरी थिंग, और फिर क्या हुआ कि कुछ काम ही नहीं आया, वो वाला जो फियर है ना, मे बी दैट इज़ स्ट्राइकिंग. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप कि न्यू रूटीन एवरी थिंग विल गोना हेल्प. एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू शेयर अ वेरी ब्यूटिफुल कोट विच इज़ वेरी डियर टू मी. किताबों को पढ़ने के साथ साथ हमने पढ़े हैं घर के हालात, हमने देखा है अपनी माँ की आंखों में जीत का इंतज़ार, और पढ़ी है पिता की खामोशी. हम हारेंगे नहीं, हमारे पास जीतना ही विकल्प है. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई, आई डोंट नो किसने लिखा है इसे, बट काफ़ी प्यारा लिखा है, तो आई फाउंड इट ऑन इंटरनेट. सो एट लास्ट मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी सिचुएशन में हो, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, बी पेशेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ. एंड आई ऑल्सो गोना डू दिस. सो टिल देन कीप स्टडिंग, विल मीट सून विद न्यू ब्लॉग.